हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और मोबाइल का फ्रंट कैमरा थोड़ा सही नहीं है, इसकी वजह से मैं बैक से बनाता हूँ ये वीडियो। तो SBI कलर के बारे में बात कर रहे हैं जो आने वाला है। लोग बोल रहे हैं गुजरात से फॉर्म लगाएंगे, तो गुजरात से फॉर्म लगाना मतलब मार्क्स कम रहते हैं, कट ऑफ जो होती है ठीक है वो कम रहती है। लेस बोल सकते हैं, मिनिमम बोल सकते हैं ठीक है। तो ये सीन है कि कम रहती है और वैकेंसी भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि वैकेंसी यहाँ ज़्यादा क्यों होती है उसका रीज़न ये है कि यहाँ लोग जैसे नया जो रिक्रूटमेंट होगा ना न्यू, उनको बहुत दूर फेंकेंगे, बहुत दूर तक मतलब अपॉइंटमेंट देंगे उन्हें। तो जैसे कि मान सकते हैं आप, जैसे कच्छ हो, कच्छ का एरिया हो गया, या फिर इधर दीव के साइड हो गया, सोमनाथ में जैसे हमें दे रखा है ठीक है, तो सोमनाथ में दे दिया। तो इतनी दूर देते हैं ना कि वैकेंसी अपने आप खाली हो जाती है, लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। फिर जैसे कि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाएँ बस, कैसे जैसे कोई एग्ज़ाम क्लियर करके। तो ये सीन रहता है SBI में गुजरात से जब फॉर्म लगाते हैं। तो अगर आपको दो कंडीशन में आप फॉर्म लगा सकते हो कि एक तो आपको बस जॉब चाहिए चाहे कहीं भी दे ठीक है, ओनली जॉब कहीं भी दें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, या तो ये कंडीशन है। या दूसरा कंडीशन है कि आप कभी बाहर रहे हुए हो पहले, जैसे अपने घर को छोड़कर अकेले, तो आप कर सकते हो ठीक है अलोन। अगर आप रह सकते हो तो आप गुजरात से फॉर्म भरें, बाकी ये जॉब उन्हीं के लिए सही है। एक तो लड़कियों को इधर नहीं भेजते, वो 99% लड़कियों को वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत हो गया, या फिर ये जगह देते हैं गांधीनगर, और लड़कों को ये दूर फेंकते हैं इधर आउटसाइड में, जहाँ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जहाँ मतलब रहने करने का अच्छा नहीं है, तो वहाँ इनको भेजते हैं। तो ये गुजरात का सीन है। तो जैसे मैं कभी घर से बाहर रहा नहीं, तो मेरे को यहाँ सेट होने में बहुत दिक्कत आ रही है, और ऑब्वियसली घर वालों की याद आती है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप ऐसे मतलब गुजरात से बनने के चक्करों में मत ना रहें। अगर आप ये चीज़ें रह सकते हैं कि आपको केवल आप अकेला रह सकते हैं ठीक है, अकेले रह सकते हैं, तो ही आप गुजरात से फॉर्म भरें। अदरवाइज थोड़ी अब मेरे को जो लग रहा है ना, मैं अपना बताता हूँ, माई ओपिनियन, मैं कभी रहा नहीं ना, तो इसके लिए बताता हूँ मैं कि दिक्कत क्या होती है। मेरा ओपिनियन ये है कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ले ठीक है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लो, लेकिन अपने स्टेट से लगो, क्योंकि मैं कभी बाहर रहा नहीं तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है। बाकी कुछ लोग मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो बाहर रहे हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है कि जो रह सकता है तो बिल्कुल भर सकता है बाहर से ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो करना तो ये काम, तो थोड़ा सेट होने में दिक्कत आ रही है, बाकी रह रहे हैं जब तक कि SBIPO का रिजल्ट नहीं आता, फिर देखते हैं क्या करना है ठीक है। थैंक यू सो मच।